well ibu beli. लास्ट क्लास में जब हमने देखा था बेटा, लास्ट क्लास में हमने देखा था मैट्रिक्स में, और एक इसका लास्ट पैटर्न बचा है, और वो लास्ट पैटर्न क्या था वो देखना पड़ा। जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपके पास 2x2 की थी, उसका अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है करना है, सी वाला, उसके बाद करना है बी वाला।
किसको किसके रेस्पेक्ट में करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो कौन से एलिमेंट को कौन से एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम चेंज करेंगे, जीरो करेंगे, ताकि हमारा आंसर आए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एफ वाला। जब एफ वाला जीरो करेंगे बेटा, एफ वाला स्टार्टिंग में जीरो कर देता, आप चाहो तो उसको आर वन के रेस्पेक्ट में, चाहो तो उसको आर थ्री के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में जीरो कर सकते। आगे जो भी आया वो लिख देंगे, फिर इसके बाद में आपके पास डी डी वाला एलिमेंट इसके अंदर में जीरो करेगा जो आपका वन। डी वाले को अगर हम जीरो करना चाहें तो आर वन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा वो मैं आपको बता दूं। देखो डी वाले को जब आप जीरो करोगे ना तो इसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो डी तो जीरो हो जाएगा, ई यहाँ से ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एफ ये जीरो है ऑलरेडी दोनों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चाहो तो आप आर वन के रेस्पेक्ट में करो चाहे आर टू के, में दोनों से क्वेश्चन का रोम आप उसको अच्छे से समझ लेना।
देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जीरो करना कैसे करेंगे? इसको कर लो आप इसके रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, इसके रेस्पेक्ट में करना चाहे इसके जीरो कर लिया होगा आपने, देखो क्या है ये एलिमेंट क्या है, रखते हैं माइनस थ्री टू माइनस नाइन बाई टू, तो टू माइनस नाइन बाई टू हो गया आपके पास बेटा।
जीरो आ गया। ऐसा कुछ आया होगा बेटा, नीचे लिखा हो दिख रहा है तो देख लो, आर थ्री को हम चेंज करेंगे, आर थ्री माइनस आर वन, ऊपर आ गया 6/-5, तो ये जो रेवेलिमेंट ट्रांसलेशन वो चेंज हो गया बेटा। यहाँ का मैंने नहीं लिखा है, यहाँ का भी चेंज करना है, जिस यूनिवर्स तो वही आएगा वहाँ का भी चेंज करना है। Yeah.